या आप भी चाहते हैं कि वॉल पुट्टी कोन के साथ काम करना आपके लिए भी आसान हो जाए, तो आज की ये वीडियो मैंने खास इसीलिए बनाई है कि मेरे बहुत से फ्रेंड्स को बहुत दिक्कत हो रही थी वॉल पुट्टी कोन के साथ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप वॉल पुट्टी कोन को ऐसे बनाएंगे जिससे कि वो बिल्कुल भी नहीं उतरेगा और उसमें क्रैक्स भी नहीं आएंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू राघवेंद्र आर्ट गैलरी। और आज हम बनाने वाले हैं वॉल पुट्टी कोन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 2 स्पून वॉल पुट्टी। आप कोई भी वॉल पुट्टी ले सकते हैं। वैसे तो जब हम वॉल पुट्टी कोन बनाते हैं उसमें ऐसा कोई एग्जैक्ट रेशो नहीं होता है कि आपको कितना कितना क्या लेना है, लेकिन फिर भी आप स्टार्टिंग करते हैं तो आप ऐसे करें कि आपने अगर 2 स्पून वॉल पुट्टी ली है तो उसमें आप 2.5 स्पून पहले फेविकोल ऐड करें। अगर आपको लगता है उसमें और मिक्स करने की ज़रूरत है तो और वॉल पुट्टी या फेविकोल भी ऐड किया जा सकता है। अब उसके बाद आपको कुछ इस तरह का पेस्ट बनाना है जो आपकी स्पून से एकदम से ना गिरे। उसमें थोड़ा सा आपको ऐसे हिलाएं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगे। ऐसा पेस्ट बनाने के बाद आपको सेकंड नंबर पर ये ध्यान रखना है, जब भी आप कोई कोन बना रहे हैं तो उसके लिए आप काफ़ी सॉफ्ट पॉलिथीन का यूज़ करें और उसे इस तरह से फोल्ड करें ताकि उसमें आपका जो पेस्ट है वो काफ़ी अच्छे से आ सके। उसको आप टेप के साथ अच्छे से सिक्योर करें और आपका कोन तैयार है। आपको जो पॉलिथीन लेनी है वो रेक्टेंगल शेप में लेनी है, स्क्वायर शेप में नहीं लेनी है, तभी आपका कोन अच्छे से बनेगा। उसके बाद जो पेस्ट हमने बनाया है उसको अच्छे से फिल करें और किसी भी रबड़ के साथ ऊपर से सिक्योर कर लें। आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप कलरफुल कोन वॉल पुट्टी के साथ कैसे बना सकते हैं और वॉल पुट्टी के कोन को आप कितने टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। वॉल पुट्टी कोन के साथ आपको 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जब आप काम कर रहे हो वॉल पुट्टी कोन के साथ तो आपको काम करने से पहले थोड़ा थोड़ा सा फेविकोल जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर लगाना है। ज़्यादा अमाउंट आपको नहीं लगाना है, नहीं तो आपका वॉल पुट्टी कोन इधर उधर भागेगा और जो आपका पेस्ट है वो अच्छे से सेट नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट आपको ये याद रखना है, जब भी आप कोन के साथ काम कर रहे हैं तो आपको अपने कोन को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, आपको बहुत आराम से काम करना है, नहीं तो सूखने के बाद आपका जो कोन वर्क है उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। अगर बात करें इस कोन को स्टोर करने की तो हम इसको ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते हैं, इससे हम 2 से 3 घंटे ही काम कर सकते हैं। और इसको कलरफुल बनाना तो बहुत ही आसान है, आपको बस अपने पेस्ट के अंदर थोड़ा सा जो भी आप कलर चाहते हैं उसको ऐड करना है और आपका कोन तैयार है। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, अगर वॉल पुट्टी कोन के साथ आप कभी भी किसी भी कलरफुल बेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको फिर जो हमारा फैब्रिक ग्लू होता है उसको अपने कोन के नीचे लगाना है, नॉर्मल ग्लू नहीं लगाना है, नहीं तो आपका जो बेस है उसके ऊपर फेविकोल के निशान आ जाएंगे। और इस तरह से आप जो है अपने कोन के साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो हमारा ये वॉल पुट्टी का कोन होता है ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत रीज़नेबल होता है और इससे आप जितना चाहें उतना काम कर सकते हैं, जितनी चाहें उतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आज की ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो और आपके किसी काम आए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आगे भी मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।